हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए पॉडकास्ट के साथ। मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं आज आपके सामने देखिए ये थोड़ा सा, ये देखिए अपना ठीक ही पकड़ा, ये एडजेसिव है ये, और टेप है, ये सेलो टेप नहीं है, ये पेपर टेप है, और इसको कहते हैं, देखिए इसका नाम है पेपर टेप सेल्फ एडजेसिव। ये सेलो टेप की तरह ही होता है और ये मास्किंग टेप होता है। अभी मैं आपको बता दूं ये मास्किंग टेप कहाँ पर यूज़ होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे घर में अभी किचन का प्लाईवुड से कुछ काम चल रहा है। देखिए मेरा पीछे में एक प्लाईवुड पड़ा है। प्लाईवुड में जब एडजेसिव देकर, फेबिकॉल देकर, उसके ऊपर जो माइका रहता है, लैमिनेट चिपकाया जाता है, उसके चिपकाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे करके, अगर वो उठ ना जाए, वो उधर से उठे प्लाईवुड से अगर लैमिनेट उठ ना जाए, इसलिए ये एडजेसिव देकर, ये सेलो टेप मतलब होता है प्लास्टिक का होता है, ये प्लास्टिक में नहीं, ये टिश्यू पेपर जैसा पेपर का ही होता है, पेपर का, वो उधर में चिपकाया जाता है जैसे वो उठ ना जाए, इसलिए ये मास्किंग टेप यूज़ किया जाता है। और इसका प्रिंटेड प्राइस है ₹40 पर ये इसको कहते हैं एक रोल। एक रोल में 6 पीस रहता है और एक पीस का दाम है, प्रिंटेड प्राइस है ₹40, लेकिन एक रोल मैं इसको लिया तो एक रोल का दाम इसका ₹130 पड़ा, लेकिन इसका देखिए इसको आपको साइज 20 मीटर है, 24 सेंटीमीटर, इसको चौड़ाई है और थिकनेस है 0.110 mm ईच, इसका थिकनेस है। और ये कंपनी है पीडीलाइट, जो फेबिकॉल का है पीडीलाइट। ये स्टील ग्रिप है, देखिए ये उठ चुका है, ये स्टील ग्रिप है। स्टील ग्रिप का जो इलेक्ट्रिशियन लोगों का जो टेप होता है, जो ब्लैक कलर रेड कलर का होता है, उसमें भी स्टील ग्रिप का ही जो एडजेसिव सेल्फ एडजेसिव रहता है उसमें भी स्टील ग्रिप का है, इसमें ये भी स्टील ग्रिप का है। ये पीडीलाइट कंपनी का है, भारत में ये पीडीलाइट कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडजेसिव और गम। ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये एकदम एक नंबर कंपनी है। इसके साइड में बहुत कंपनी है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है, लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो पीडीलाइट बहुत ही पुराना कंपनी है, फेबिकॉल तो सभी जानते हैं, ड्रेंडाइट है, फेबिकॉल है, बहुत सारा है, फेबिक्विक है, बहुत सारा है। इसके अलॉन्ग साइड बहुत सारा कंपनी है जो ये सब एडजेसिव और ग्लू बनाता है, ग्लू एडजेसिव बहुत सारा चीज़ बनाता है, लेकिन ये पीडीलाइट कंपनी बहुत ही पॉपुलर है। तो देखिए ये, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। और पेंटिंग में ये जो आप अगर हमारे घर में पेंटिंग हुआ था, ये देखिए ये एकदम पेपर की तरह है, देखिए एकदम पेपर की तरह है, ये इस पेपर की तरह है, इजी से उड़ भी जा सकता है, देखिए ये उड़ जाता है। तो अभी जब पेंटिंग करेगा, पेंटिंग करने के लिए जिस प्लेस में पेंटिंग नहीं होगा उसके ऊपर पेंटिंग लोग किया करते हैं, पेंटिंग करने में घर में अगर पेंटिंग हो, टेक्सचरिंग हो, उस काम के लिए ये एडजेसिव ये चाहिए। जब आपको मास्किंग टेप, जब कोई आपको पेंटर लोग और कोई भी लोग मास्किंग टेप आपको बोले तो ये आपको ये ख़रीदना है। ये स्टील ग्रिप का ये मास्किंग टेप बहुत ही अच्छा है, एशियन पेंट्स का भी आता है, उससे एशियन पेंट्स का दाम थोड़ा सा कम है और इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-15 रुपये ज़्यादा है। तो चीज़ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एशियन पेंट्स क्या होता है, कलर मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये क्या होता है, ये सब एडजेसिव और गम
मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है जैसे, और गम बनाने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए आप ये पीडीलाइट के कंपनी के स्टील ग्रिप ही खरीदें। तो ये जो मास्किंग टेप, जो कलर बनाने के लिए, जो टेक्सचरिंग करने के लिए, जो मास्किंग जिसमें कलर लगना नहीं चाहिए उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा पेपर देते हैं, पेपर के ऊपर ये मास्किंग टेप, पेपर को आपको स्टिक करने के लिए ये मास्किंग टेप वो लोग यूज़ करते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं। तो हमने खुद भी पेपर जब पेंटिंग किया तभी मैंने यूज़ किया, कभी कभी मैं वो लाइनिंग को ठीक करने के लिए एक पेपर का ज़रूरत होता है, डिवाइन टाइप को डिज़ाइनिंग के लिए पेपर कटिंग करके उसके ऊपर पेपर डाल के पेपर तो वॉल में और सरफेस में वो ठीक से रहने के लिए ये मास्किंग टेप से उनको चिपकाया जाता है वॉल में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर के ऊपर में स्प्रे रंग करके उस टेक्सचर को ठीक से डिज़ाइन करता है। कभी कभी ये मास्किंग टेप जो कारपेंटर लोग होता है और जो जो टेक्सचर बनाता है वॉल में, जो पेंटिंग करता है, उनके लिए ये सब मास्किंग टेप चाहिए। और बहुत सारा वुड वर्क के लिए ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक में ये काम नहीं होगा क्योंकि ये पेपर टेप है। ये देखिए आसानी से ये फट जाता है, ये आसानी से बहुत फट जाता है, ये प्लास्टिक नहीं है ये, और पीवीसी भी नहीं है। तो ये मैं कैसे ये कब कब ये यूज़ होता है मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट रिव्यू मैंने आपको कर दिया। आपको अगर मास्किंग टेप चाहिए तो ये कंपनी खरीदे, इसका दाम है 130 रुपीज़। और इसका देखिए इसका प्राइस कितना है, प्राइस देखिए 240, 10, इसका देखिए 40 × 6 240 रुपीज़ ये एक रोल का होगा, लेकिन 130 रुपीज़ मुझे खरीदने को मैंने खरीदा 130 रुपीज़ से। तो स्टेट वाइज और जो जो दुकान होता है सेपर सेपर दुकान में 10-15 रुपये 20 रुपये इधर इधर हो सकता है, वो उसके दुकान के ऊपर और प्लेस के ऊपर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू प्रोडक्ट। बाय बाय।